पहले मैं आज आपसे एक्सरसाइज नंबर 12 का पार्ट 12 को स्टार्ट करेंगे। 12 के अंदर 12 चैप्टर है आपका वेट। वेट के अंदर यानी कि हम मार्केट से कोई भी चीज लेने जाते हैं तो केजी में, लीटर में, इस तरीके से लेके आते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको मुझे बताना है कि 200 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2, 1250 ग्राम में कितने केजी होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3, 1/4 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 200 ग्राम। 200 ग्राम आप बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, मेरी तो 3/4 केजी में कितने ग्राम है। बड़ा बड़ा लिखो। और क्वेश्चन नंबर 5, 4750 ग्राम में कितने केजी है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, 4/3/4 केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करो। इन 5-6 क्वेश्चन को करके दिखाओ पहले आपको। और ये याद रखना, 1 केजी में बताया था जैसे 1000 ग्राम और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर फॉर्म हो। हमारा मैंने आपको बताया था 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 200 ग्राम है, तो हम इसको कर देंगे 200/1000। तो 20 से 20, 2 × 2 और 2×5 × 10, तो यहाँ आ जाएगा 1/5। ठीक है, या इसको सीधा सीधा आप इस तरीके से डिवाइड कर लो कि 1000 यहाँ लिखो और 200 यहाँ लिखकर यहाँ डेसिमल लगाकर 0 1000 2 2000। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, 1250 को अपॉन 1000 करेंगे तो 3 डिजिट के बाद डॉट लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 1.250। अब ये दे रखा है हमें 1/4, तो इसको कर देंगे 5/4 और इसको ग्राम में चेंज करना है तो इनटू 1000, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 10 = 8, 4×5 = 20, तो 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1250 ग्राम। अब ये दे रखा है 1/3/4, तो 4 × 4 और 3/7/4 × 1000, इसी तरीके से 250 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 250 × 7 कर देंगे तो ये आएगा 1750। अब यहाँ हमें ग्राम में दे रखा है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो 4750 1000 4×4 = 4000, यहाँ आ जाएगा 750, तो इसमें केजी आ जाएंगे 4 केजी और 750 ग्राम। और अगर हम इसको पॉइंट में ही करेंगे आगे, नहीं तो सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं, 4750 और 1000, 3 डिजिट के बाद डॉट लगा दो, 4750 केजी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 4/3/4 दे रखा है, तो 4/3/4 का मतलब हो गया 4×4=16 और 3×19/4 × 1000, तो ये अगेन 250 से हो जाएगा और 19 का 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया क्वेश्चन आपको? यस सर। नाइन 5×45, 9×18 और 4×22 एंड 250, तो यहां आ जाएगा 4750। ये इसके ग्राफ हो जाएंगे। ध्यान से सुन लो, 1 से लेकर 12 तक सारे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं किसी भी क्वेश्चन को आपसे पूछूंगा, केवल यही नहीं है कि केवल 12 का ही लूंगा, तो सभी एक्सरसाइजों को प्रैक्टिस करके आना आप लोग।
फाइव थ्री अपॉन फोर क्वेश्चन नंबर सेवन केजी को ग्राम में चेंज करना है। तो अब ये जो केजी की फॉर्म है फोर फाइव का ट्वेंटी, ट्वेंटी और थ्री, ट्वेंटी थ्री अपॉन फोर इंटू थाउजेंड, ये अगेन 250 इसका डिवाइड फॉर्म आ जाएगा और 250 को हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जगह 0 से 3, 3 5 का 15, 3 2 का 6 और 1 7, 2 5 का 10, 2 2 का 4 और 1 5, तो आ जाएगा 5750 ग्राम। तो इस तरीके से जिसको भी केजी को ग्राम में चेंज करना होता है तो हम जब हमें केजी दे रखा है ग्राम में चेंज करना है तो हम उसको डिवाइड कर दे उसकी फॉर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जब ग्राम दे रखा होता है और केजी में करना होता है तो उसका डिवाइड करना होता है। इस चीज को याद रखो।